वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानी बाबा 49 में आपका होस्ट और दोस्त नवराज पाठक। गाइस बहुत दिनों बाद कैमरे के आ गया हूँ, बहुत दिनों बाद अपने स्टूडियो आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड आज की जो वीडियो है वो हमारा पार्ट 4 है हमारी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी की, जिसके में मैं आपको 5 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ और वो 5 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि आपको प्रो कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करेंगे। इसका पहला प्रिंसिपल कहता है लेट द अदर पर्सन से यस यस इमीडिएटली। अगर आप सेल्स में हो, अगर आप कुछ बेचते हो आगे वाले को, तो एक बात याद रखो कि अगर आप उसके मुंह से 2 बार यस यस निकलवा लो लगातार, तो बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि वो तीसरी बार भी यस ही बोलेगा। मान के चलो आपने कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, बारिश का मौसम है, आपने पूछा यार मौसम बहुत बारिश हो रहा है ना, वो क्या बोलेगा यस। कॉफ़ी बहुत गर्म है, आप दोनों कॉफ़ी पी रहे हो, क्या बोलो यार कॉफ़ी बहुत गर्म है और बहुत मीठी है, वो क्या बोलेगा यस। और तीसरी बार जब आप अपना प्रोडक्ट उसे पिच करोगे ना, तो वहाँ भी हाईली चांस है कि वो यस ही बोलेगा। तो अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो इस वाले प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना। सेकंड प्रिंसिपल क्या आता है लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेटर डील ऑफ द टॉकिंग। मतलब कि मान के चलो अगर आपको दुश्मन बनाने हैं, अगर आपको दुश्मन बनाने हैं ना, तो सबके सामने अपनी वाहवाही करो, अपनी तारीफ करो, सिर्फ अपने बारे में बात करो, आपके दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। बट अगर आपको अपने दोस्त बनाने हैं तो वहां पे कुछ ऐसा करो, ऐसी बातें करो, अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करो ताकि वो दोस्त आपको अच्छा समझे। वहां पे आप अपने आपको अच्छा दिखा नहीं रहे, वहां पे आपके दोस्त आपको अच्छा समझ रहे। एंड इस ग्रेटर डील ऑफ टॉकिंग से आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो रिलेशन है, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा सबके सामने। तो दूसरा प्रिंसिपल लेट द ग्रेटर डील ऑफ द टॉकिंग। प्रिंसिपल थर्ड बोलता है लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज और हर। अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, अगर आप बहुत अच्छे सीईओ हो, अगर आप बहुत अच्छे फाउंडर हो या मालिक हो ना, तो अगर आपके एम्प्लॉय ने, आपके दोस्त ने, आपके सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने या किसी भी इंसान ने थोड़ा सा भी आइडिया दिया ना, तो एक ग्रेटर कम्युनिकेशन पता क्या कहती है कि आप उसको फील कराओ कि आज के टाइम में जो आइडिया है वो तूने दिया। मान के चलो आप एक बहुत बड़ी टीम के लीडर हो एंड टीम में आपने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी, आप बातचीत कर रहे हो और किसी इंसान ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उसको एक फील कराना कि यार बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा एंड इस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको जेन्युइनली बोलना है, सिर्फ मजाक में नहीं, आपको जेन्युइनली बोलना है। और इससे आपकी जो वैल्यू बनेगी ना उस इंसान के सामने, वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल थर्ड बोलना है जो कि आपको याद रखना है। प्रिंसिपल फोर्थ ट्राई ऑनेस्टी टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे जो है ना, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, बट मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सिचुएशन देखो एंड वो कंडीशन देखो एंड फिर बात करो, क्योंकि तब आप जब बात करो तो आप उसको समझ पाओगे एंड वो बात जो होगी वो उसको काफ़ी दिल छू पाएगी एंड वो काफ़ी हद तक आप उसको समझ पाओगे, वो आपको समझ पाएगा, जिससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो पाएगा। प्रिंसिपल फिफ्थ बोलता है बी अ सिंपथेटिक विद द अदर पर्सन आइडिया एंड डिज़ायर। देखो कोई भी इंसान अगर आपके सामने अपना आइडिया या डिज़ायर या कुछ भी चीज़ रख रहा है ना आपके सामने या जाहिर कर रहा है, तो वहाँ पे आपको एक सिंपति के साथ बात करनी, उसको समझना है, चाहे वो आइडिया बेकार हो, घटिया हो, आपको पता है किसी काम का नहीं है, लेकिन उस टाइम आपके उस तो आपको उस आइडिया को बेकार नहीं बताना, आपको सिंपति ढंग से बात करनी, उसको समझना है। क्या पता उसके अंदर सच में कोई अच्छा हो, राइट? क्या पता उसका जो डिज़ायर हो सच में बहुत लॉन्ग टर्म हो, बहुत फायदेमंद हो। तो आपको सिंपति तरीके से, कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं अरे बेकार आइडिया बाहर निकल, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। एंड वीडियो को बताइए कि ये सारे प्रिंसिपल से सबसे बेस्ट प्रिंसिपल आपको कौन सा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड कमेंट करें कि आप कैसे बिहेव करते हो रियल में। एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको रेगुलर बेसिस में मिलती रहेगी। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।